हेलो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जो कॉमन मेथड था 1s2 जो हम लोग टेबल बनाकर निकाले थे ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग थोड़े से शॉर्टकट का यूज करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक टेबल से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जा सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए कि जब आप पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बहुत ही सिंपल होगा और बहुत ही इजीली आप आराम से पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग जो हैं क्यों कुछ एलिमेंट्स के आपका वेरिएबल वैलेंसी क्यों होते हैं इसके बारे में हम लोग डीपली जानने वाले हैं। और उसको जानने के लिए आपको ये वाला सेशन जानना ज़रूरी है। अगर आप पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार पुराना वाला वीडियो आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपका पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसी पीरियोडिक टेबल के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजी तरीके से निकाल भी सकते हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को समझना जरूरी है। पीरियोडिक टेबल को समझना जरूरी है। आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि एस, पी, डी और एफ ये आपके एलिमेंट्स के सबशेल होते हैं और हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इस तरह से अरेंज किया गया है कि आपका ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक आपका एस ब्लॉक कहलाता है, यहां से लेकर यहां तक का जो ब्लॉक है वो आपका डी ब्लॉक कहलाता है और यहां से लेकर यहां तक जो है ये आपका पी ब्लॉक कहलाता है। यहां से लेकर नीचे यहां तक ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, बीच में कुछ एलिमेंट्स है लेंथेसाइड्स जो है आपका ये दोनों जो है आपका क्या कहलाएगा, एफ ब्लॉक कहलाएगा। तो हम लोग का चार सबशेल था, वो चार सबशेल आपका पीरियोडिक टेबल में डिवाइडेड है, दैट इज एस ब्लॉक, दिस वन इज द डी ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पी ब्लॉक और ये आपका टोटल जो आपका 28 है ये आपका क्या है, एफ ब्लॉक है। हम लोग एस, पी, डी और एफ का कैपेसिटी जो है ऑलरेडी जान चुके हैं। एस का मैक्सिमम जो कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, डी का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन का होता है, पी का 6 इलेक्ट्रॉन का और एफ का आपका 14 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है। ये बेसिक्स हम लोग जान चुके थे। अब इसमें कुछ और चीज़ है, हम अगर इधर से जाते हैं तो ये आपका पीरियड कहलाता है, जैसे कि ये रहा फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और इसी तरह से सेवेंथ। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं हम लोग तो ये ग्रुप कहलाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आपका टोटल कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप है। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल निकालते हैं जो नॉर्मली कॉमन हम लोग देखते हैं। हम लोग फेरम लेते हैं, आयरन, आयरन का जो आपका एटॉमिक नंबर है दैट इज 26, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। इसका मतलब कि एथ की बात करेंगे तो इसका आपका एटॉमिक नंबर 26 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा, 26 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 26 होगा। तो हम लोग एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले निकालेंगे पीरियोडिक टेबल के थ्रू। उससे पहले एक चीज आप जानिएगा कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन माइनस वन और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन माइनस टू के थ्रू। जो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो आगे में हम लोग लगाते हैं ना, 1s2, 2s2, 3s2, 4s2 जो हम लोग लगाते हैं, तो आगे का जो S के आगे या P के आगे जो होता है उसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S के आगे जो भी वैल्यू होगा इसका वैल्यू N माइनस वन में होगा, किसका, D ब्लॉक का, और F ब्लॉक का जो वैल्यू होगा वो आपका N माइनस टू के टर्म में होगा। अब हम लोग फेरम लेते हैं, फेरम कहाँ पर है, फेरम आपका यहाँ पर है,
ये बॉक्स आपका क्या है? फेरम है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 26 होता है। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपका हाइड्रोजन और हीलियम, आपका 1 है तो 1s2, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 26 का 1s2। फिर आपका आएगा ये वाला ब्लॉक आएगा लिथियम और बेरिलियम का, इसको दो सेकंड पीरियड में है तो लिखेंगे 2s2। 2s2 के बाद हम लोग सीधा यहां चले आएंगे पी ब्लॉक में, और आपका कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2p6, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 2p6। 2p6 के बाद फिर हम लोग कहां आएंगे? थर्ड पीरियड में, दैट इज 3s2। ये आपका कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है, तो हम लोग फिर से क्या लिखेंगे? 3s2। 3s2 होने के बाद फिर हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग जाएंगे फिर से पी ब्लॉक में, और ये क्या बन जाएगा? तो आपका थर्ड है तो 3p6। हम लोग यहां तक कर चुके हैं, 3p6 आर्गन तक हो चुका है। 3p6 के बाद फिर कहां आएंगे हम लोग? 4 में आएंगे, तो क्या आएगा? 4s2। इस वाले की बात करें तो ये आपका हो गया 4s2। 4s2 के बाद हम लोग कहां आएंगे? डी ब्लॉक में आएंगे। डी ब्लॉक में कौन सा प्लेस है? तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब डी ब्लॉक का कौन सा है? डी ब्लॉक का 6th प्लेस है। डी ब्लॉक का 6th प्लेस है, इसका मतलब क्या है कि आपका कौन सा है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? तो दैट इज 4। लोअर पीरियड में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब आप इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा तो n-1 से रिप्रेजेंट कीजिएगा, इसका मतलब 4 के जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस वाले बॉक्स को अगर हम पूरा रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लोग 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, और 3 में कौन सा ब्लॉक है? दैट इज डी ब्लॉक, तो क्या लिखेंगे? 3d। 3d के बाद कौन सा प्लेस है? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3d6। इस तरह से हमारा क्या हो गया? फेरम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब काउंट कर लेते हैं, 2 + 2 = 4, 10 + 2 = 12 + 6 = 18 + 2 = 20 + 6 = 26, और फेरम का भी आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 26 होता है। तो ये क्लियर होगा। इसी में अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग टिन का लेते हैं तो टिन आपका देखिए कहां पर मिलेगा, SN, दिस वन, दैट इज 50। ये आपका टिन है। टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग इसी चीज से कर सकते हैं। इसके लिए भी सिमिलरली आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। SN टिन हम लोग लिए कितना? 50। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 50 है। तो सेम चीज हम लोग करेंगे। सबसे पहले 1s2, हाइड्रोजन और हीलियम कितना हो गया? 1s2, तो लिखेंगे 1s2। 1s2 के बाद आपका ये आ गया, यहां तक तो आपका कॉमन होगा 4s2 तक। 4s2 तक हम लोग लिख लेते हैं 1s2। हम लोग यहां तक आ चुके हैं, कहां तक? 4s2 तक। ये आपका हो गया। अब 4s2 के बाद हम लोग कौन से बॉक्स में जाएंगे? डी ब्लॉक में जाएंगे। डी ब्लॉक में आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आप फोर्थ पीरियड लिए हैं तो आपको यहां पर एन माइनस वन करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया? 3d10। यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया? 3d10। तो यहां पर हम लोग लिखे 3d10। 3d10 के बाद हम लोग फिर कहां चले गए? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक का आपका सेम होगा 4p6, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4p6। 4p6 के बाद फिर कहां से आ गए? कहां आ गए हम लोग? 5s2 में आ गए, तो लिखेंगे 5s2। ये हमारा हो गया 5s2। 5s2 के बाद ये 4d10 होगा, यहां तक क्या होगा? 4d10। 4d10 के बाद आपका कहां है? 3 यहां पर है पी ब्लॉक में, कौन सा? फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया? 5p2। 5 के बाद p1 एंड 2, 5p2, और यहां पर हम लोग क्या लिख दिए? 5p2।
मतलब पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने इससे पहले निकाला था किसका, फेरम का। फेरम के बाद किसका निकाला, टिन का, जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 50 था। अब नेक्स्ट जो हम लोग लेने वाले हैं वो आपका Hg का लेने वाले हैं, मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है, 80 है। तो इतना बड़ा का भी हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको शॉर्टकट बताएंगे कि आसानी से हम लोग नोवेल गैस को बेस बनाकर कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगर मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी का आपका 50 तक तो ऑलरेडी सेम होगा, हम लोग यहाँ तक निकाल चुके थे ना, यहाँ तक। ये यह आपका 4d10 था, ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ तक निकाल चुके थे 4d10। 4d10 से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 4d10 यहाँ के बाद आगे क्या हो जाएगा, 5p6। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, 5p6 लिखने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे कहाँ, सिक्स्थ टेबल में फिर से ये क्या बन जाएगा, 6s2। तो लिख दिया हम लोग 6s2 के बाद यहाँ पर देखिए आपका लेंथ साइड्स है ना। अब ये वाला बॉक्स 57 to 71 आपको कहाँ मिलेगा, एफ ब्लॉक में मिलेगा। और एफ ब्लॉक में आपको क्या बताए थे, N-2 करना है। कौन से ब्लॉक की बात कर, हम लोग सिक्स पीरियड की बात कर रहे हैं। तो सिक्स पीरियड मतलब 6-2 मतलब क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4F। टोटल कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, 4F 14। ये होने के बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को जाना है यहाँ पर, कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक में काउंट करेंगे, डी ब्लॉक कौन सा होगा, 5D होगा ये। तो लिखेंगे 5D, और 5D में कहाँ जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5D10। तो Hg का, मर्क्यूरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चाहे आपका एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो या ज़्यादा हो, एफ ब्लॉक में आता हो या पी ब्लॉक में आता हो, हम लोग पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजिली निकाल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताने वाला हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। इसको शॉर्टकट करने का एक तरीका होता है। शॉर्टकट कैसे करना होता है, तो हम लोग नोबल गैसेस को बेस बनाते हैं। नोबल गैस को क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको Hg का बताने वाला हूँ, मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी कहाँ पर है, 80 यहाँ पर है। इससे जस्ट ऊपर कौन सा नोबल गैस है, दैट इज जीनोन। इससे जस्ट ऊपर कौन सा नोबल गैस, जीनोन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर लिखना होगा तो हम लोग इसको पूरा का क्या लिखेंगे, पहले XE, और इसका टोटल नंबर ऑफ कितना है, तो दैट इज 54। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 54। तो XE 54 के बाद क्या आ गया, फिर यहाँ पर आ जाएंगे 6s2। तो यहाँ पर लिख दिए 6s2 के बाद फिर से क्या आ गया, ये लेंथ साइड। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे 4f14, और 4F14 करने के बाद फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, 5D10। डी ब्लॉक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5D10। तो यहाँ पर भी देखिए, 54 + 2, 56 + 14, 70 + 10 कितना हो गया, 80 हो गया। इसमें आपका किया क्या, हम लोग जीनोन में 6s2 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपका जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये पूरा का पूरा क्या है, जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोग जीनोन को बेस बनाए 54 लिखकर, और बाकी जो रिमेनिंग बचा उसको हम लोग क्या कर दिए, एग्जैक्टली कॉपी कर दिए। तो आप है जो डायरेक्ट यहाँ से लिखिए जीनोन तक,
एक नोबल गैस जो पहले वाला है उसको लिखिए, और लिखने के बाद फिर सेम तरीका आपको क्या करना है, अप्लाई कर लेना है, और उससे आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा। उसी तरह से अगर आप टीन की बात करेंगे तो टीन में क्या करेंगे हम लोग, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं टीन की, टीन का कितना है दैट इज 50। यहां भी आपको सिमिलरली टीन से एग्जैक्टली पहले कौन सा है, क्रिप्टन, तो लिखेंगे के आर, हमको जाना कहाँ है टीन में जाना है, तो यहां क्या करेंगे, सबसे पहले इससे पहले कौन आ गया, क्रिप्टन, क्रिप्टन का कितना 36, वो हम लोग 36 लिखे, क्रिप्टन के बाद सीधा हम लोग कौन से पीरियड में आएंगे, फिफ्थ पीरियड में, तो यहां क्या लिखेंगे 5s2 के बाद हम लोग कहाँ आ गए, डी ब्लॉक में आ गए, और डी ब्लॉक में आपका कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक आपका 10, तो लिखेंगे D10 कितना 4D10, और 4D10 करने के बाद फिर से हम लोग कहाँ आ गए, पी सबशेल में आए, पी ब्लॉक में, और 1 और 2 तो हम लोग क्या लिख देंगे डायरेक्टली 5P2। तो ये क्या हो गया, इतना बड़ा लिखने से हम लोग क्या हो गए, बच गए, हम लोग डायरेक्टली निकाल लिए क्रिप्टन 5s2 4d10 5p2, और इस तरह से आपका टीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकल गया। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मैं आपको जवाब दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए। अगला वीडियो जो आने वाला है आपका वाई सम एलिमेंट्स है वेरिएबल बैलेंसी, इसके पीछे का जो मेन कारण है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। थैंक यू।